मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज एक नए वीडियो के साथ में आपके सामने फिर से हाजिर हूँ और आज के वीडियो का विषय है चेहरे पर लगाने वाला लेप, मुख लेप, जिसको आप अंग्रेजी में फेस पैक बोल सकते हैं। आयुर्वेद में बहुत सारे प्रकार की दवाइयाँ, औषधियाँ प्रयोग की जाती हैं चूर्ण के रूप में या सिरप, जिसको द्रव रूप में आसव, अरिष्ट, क्वाथ, ये सब है। टैबलेट के रूप में बहुत प्रकार की वटी वगैरह आती है। वैसे ही आयुर्वेद में लेप का भी अपना महत्व है। अब ये लेप जो आयुर्वेद में प्रयोग होते हैं वो विभिन्न रोगों के शमन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कहीं पर जैसे दर्द है तो दर्द के लिए अलग अलग प्रकार का लेप है। कहीं पर सूजन है उसके लिए भी अलग प्रकार का लेप है। कहीं हड्डियों को जोड़ने के लिए भी लेप लगाते हैं। आँखों में लालिमा आ गई है, आँखों में दर्द है, उसके लिए भी लेप है। इसी प्रकार से चेहरे पर भी लेप लगाया जाता है। उसका उद्देश्य यह है कि चेहरे को सुंदर बनाना या फिर चेहरे में कोई दोष है उसको दूर करना। तो ये जो लेप हैं इनको हम तीन प्रकार से बांट सकते हैं। पहला दोषघ्न, यानी चेहरे पर या स्किन पर कोई दोष है उसको दूर करने वाला लेप। दूसरा है विषघ्न। कई बार जहरीले कीड़े वगैरह डंक मार देते हैं या काट लेते हैं चेहरे पर, तो उसको दूर करने के लिए भी लेप लगाते हैं। और तीसरे प्रकार का जो लेप है वो है वर्णकर, यानी चेहरे को सुंदर बनाना, कांतिमय बनाना, चेहरे के रंग को और फेयर करना। तो मैं चेहरे के रंगों को फेयर करने के लिए एक लेप की आज चर्चा करूँगा। लेप में ध्यान रखें, अगर वो गीला है तो ठीक है, सूखने के बाद में पानी की मदद से उसे तुरंत चेहरे से निकाल देना चाहिए। जो वर्णकर यानी कि चेहरे को सुंदर बनाने के लिए जो लेप लगाते हैं, सूखने के बाद अगर चेहरे पर रहता है तो चेहरे की कांति को और मलिन करता है। तो सूखने के तुरंत बाद उस लेप को बाहर कर दें, ठीक है। और इसमें कुछ दवाइयों का प्रयोग किया गया, कुछ औषधियों का, उनकी मैं चर्चा करूँगा। और आयुर्वेद में जब भी कोई चर्चा होती है ना, मान लीजिए कि इसमें 7 दवाइयाँ प्रयोग की गई हैं, अब 7 में से एकाध दवा या एकाध औषधि नहीं मिले तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अभी से हम नहीं बना सकते, उसको छोड़ दीजिए। तो ज़्यादातर योग में जो सौंदर्य के लिए योग बनाए जाते हैं वो एक ही गुण वाली बहुत सारी चीज़ें उसमें मिला दी जाती हैं। तो अगर 7 औषधियाँ प्रयोग की गई हैं और एकाध औषधि आपको नहीं मिल रही है तो
तो उसको छोड़ करके आप प्रयोग करें, लाभ उतना ही मिलेगा। और ये प्रयोग इतना बढ़िया है कि हफ्ते 8 दिन में ही आपके चेहरे का रंग बहुत अच्छा हो जाता है। तो पहला है रक्त चंदन। जैसा आप जानते हैं चंदन 2 प्रकार का होता है, एक श्वेत चंदन एक लाल चंदन। तो आप इसमें ले लें लाल चंदन। दूसरी औषधि इसमें ले लें मजीठ, और ये भी बहुत आसानी से किसी भी पंसारी के यहाँ मिल जाती है। तीसरी औषधि ले लें लोध, ये भी पंसारी के यहाँ से मिलेगी, ये भी काष्ठ औषधि है। चौथी औषधि ले लें पूठ, ठीक है, तो वो भी पंसारी के यहाँ। जितनी औषधियाँ मैं बता रहा हूँ सब पंसारी के यहाँ मिलेगी। जो जड़ी बूटी बेचने वाले पंसारी लोग हैं उनके यहाँ सारी औषधि मिल जाएगी, ठीक है। अगली औषधि है प्रियंगू, तो प्रियंगू का फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लकड़ी मिल जाए उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। और छठी औषधि है वड़ के अंकुर। वड़ के अंकुर उसको बोलते हैं जैसे बरगद का कोई झाड़ है या पेड़ है, उसमें पत्ता बस निकलता है ना, तो थोड़ा सा निकला हुआ, अभी वो पत्ता बना नहीं है, अभी वो फैला नहीं है, सिर्फ आगे बढ़ा है, पत्ता बनने ही वाला है, 1 दिन या 2 दिन में पत्ता बन जाएगा, तो उसको हम वड़ के अंकुर, बरगद के अंकुर बोलते हैं, वो ले लें। और सातवीं औषधि है मसूर की दाल। अब मसूर की दाल भी मुझे बहुत कुछ नहीं बताना है, हर किराने वाले के यहाँ मसूर की दाल मिल जाती है, बिना छिलके वाली ले लें। तो ये 7 औषधियाँ आप ले लें और इसको कांजी में पीसें, या फिर कांजी अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप पानी में पीस लें और उसको चेहरे पर लगाएं। ये लेप लगाते समय ध्यान रहे लेप थोड़ा मोटा लगाएं, 8 mm, 7 mm मोटा लगाएं, जिससे कि वो देर में सूखे और देर तक आपके चेहरे पर बना रहे। बहुत पतला लगाएंगे जल्दी से सूख जाएगा तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो इसको लगाएं और जब सूख जाए तो पानी की मदद से उसे चेहरे से हटा दें और चेहरा धो लें। ऐसा कुछ दिन तक करने से ही आपके चेहरे में एक अलग प्रकार का तेज दिखाई देगा, आपका कलर भी फेयर होगा, ठीक है। और बस सावधानी क्या रखना है, जैसे रात्रि जागरण करना है तो आप इस लेप का प्रयोग ना करें। दिन में अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग करने के बाद दिन में ना सोएं। अगर आपको कब्ज की शिकायत है तो भी इस लेप से आपको यथेष्ट लाभ नहीं मिल सकेगा। अगर आप जुकाम से पीड़ित हैं तो भी इस लेप का प्रयोग न करें। जब आप स्वस्थ हों, मन प्रसन्न हो, तभी इस लेप का प्रयोग करें, जिससे कि आपका चेहरा और सुंदर बन सके। तो आज केवल इसी लेप की चर्चा कर रहा हूँ। आगे आने वाले वीडियो में अगर लेप का प्रकरण रहा तो और किसी लेप की मैं चर्चा करूँगा। आशा है आप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।